डिक्टेशन अभी 5 सेकंड में चालू होगी। मांगों पर बहस हो रही है। सरकार के हर विभाग का वित्त मंत्रालय से संबंध होता है। देश में जो प्रगति हुई है और हो रही है उसकी काफ़ी चर्चा हुई है। जो प्रगति हुई है वह चारों ओर दिखाई पड़ रही है। कम से कम रेल विभाग में तो काफ़ी प्रगति दिखाई पड़ रही है। रेलों में अब भीड़ कम होती है। बिजली का भी काफ़ी विकास हुआ है, लेकिन गाँव की ओर जो हमारा दृष्टिकोण है उसको देखकर कुछ तकलीफ होती है। अभी जो जनगणना हुई उसे देखने से मालूम होता है कि शहरों की जनसंख्या अधिक बढ़ी है। आज देहातों से लोग शहरों की ओर आ रहे हैं। हमारे राष्ट्रपिता ने कहा था कि लोग गांव में बसे गांव के जीवन को पवित्र करें, लेकिन स्वतंत्रता के 50 साल बीत जाने के बाद भी देहातों की तरफ न जाकर लोग शहरों की तरफ आते जा रहे हैं। इस प्रश्न पर हमें कुछ गंभीरता से विचार करना होगा। यदि देहातों में लोगों को सुख सुविधाएं मिलती जो आज शहरों में प्राप्त हैं, तो लोग देहातों से शहरों की तरफ न दौड़ते बल्कि शहरों से देहातों की ओर जाते। पैरा देहातों के जीवन में दो प्रकार की चीज़ें थीं, एक तो जमींदारी प्रथा थी और दूसरी वे लोग थे जो रुपए का लेन देन करते थे। जमींदारी प्रथा समाप्त हुई जिससे लोगों को कुछ राहत मिली। जहाँ तक रुपए के लेन देन का प्रश्न है, पहले 25% तक का ब्याज लिया जाता है जिससे कर्ज लेने वाला उनके चंगुल से नहीं निकल पाता। सरकार भी अब उचित दर पर कर्ज देने लगी है। इसी कारण से कहीं कहीं पर साहूकारों के ब्याज की दर में कमी आई है। लेकिन इसके बावजूद भी यदि हम देहातों और शहरों की तुलना करते हैं तो उन दोनों के स्तर में काफ़ी अंतर पाते हैं। अभी कहा गया है कि पंचवर्षीय योजना के कारण देश की आमदनी बड़ी है। यदि यह बात सही है तो मैं जानना चाहता हूँ कि वह आमदनी कहाँ गई। इस बात का पता लगाने के लिए सरकार ने एक कमेटी बैठाई है जो इस चीज़ की जांच करेगी कि वह बढ़ी हुई आमदनी कहाँ और किसके हाथ में पहुँची है। अभी एक माननीय सदस्य ने योजना मंत्री से प्रश्न पूछा था कि पहली और दूसरी योजनाओं के कार्यान्वित
हो जाने के बाद किस भाग को अधिक लाभ पहुंचा है और किस भाग को कम पहुंचा है या बिल्कुल ही नहीं पहुंचा है। इस प्रश्न के उत्तर में मंत्री महोदय ने बताया कि अभी इस पर विचार हो रहा है और देखा जा रहा है कि किस वर्ग को कितना लाभ हुआ है। मंत्री महोदय के इस उत्तर को सुनकर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ और मैं आशा करता हूँ कि सरकार सब वर्गों का ध्यान रखेगी।